अग्निवीरों से जुड़ी ये खबर जो आपको जरूर जाननी चाहिए। जो अभ्यर्थी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी एक चिर प्रतीक्षित मांग रही हमेशा से कि उनके लिए जो सेवा के नियम सरकार ने तय किए हैं उसमें और ज्यादा कार्य अवधि बढ़ाई जाए। उनकी मांगों को लेकर सरकार विचार भी कर रही है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि हो सकती है कि आपकी ये मांग जो है वो कबूल हो जाए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि अग्निवीरों के सेना में स्थायी रूप से शामिल करने के प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार विमर्श इस वक्त चल रहा है और उनमें से अधिक संख्या में लोग जो हैं अपने शुरुआती 4 साल के कार्यकाल से आगे सेना की पूर्णकालिक सेवा में बने रह सकें, इस पर विचार किया जा रहा है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ में अग्निवीर योजना मुद्दे को लेके। आपको पता ही है कि हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं साथ ही J&K के, और इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार इस बार मैंडेट जो लोकसभा चुनाव में दिया है उससे कहीं ना कहीं सरकार परेशान और विचलित जरूर है। और अब ये सूत्रों के मुताबिक एक खबर सुनने को आ रही है कि सरकार इस चुनावों के बीच में अग्निपथ योजना में जो कि अभी तक सिर्फ 25% को परमानेंट किया जा रहा था, अब उसको 25 से 50% बढ़ाने के ऊपर में विचार कर रही है। और जो ये खबर है ये रक्षा सूत्रों के मुताबिक है और इसकी आप ये वीडियो भी देख सकते हैं न्यूज़ के द्वारा, जो नेशनल न्यूज है उसके द्वारा आप रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं, एक बार ये देख लीजिए। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। अग्निवीरों से जुड़ी ये खबर जो आपको जरूर जाननी चाहिए। जो अभ्यर्थी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी एक चिर प्रतीक्षित मांग रही हमेशा से कि उनके लिए जो सेवा के नियम सरकार ने तय किए हैं उसमें और ज्यादा कार्य अवधि बढ़ाई जाए। उनकी मांगों को लेकर सरकार विचार भी कर रही है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि हो सकती है कि आपकी ये मांग जो है वो कबूल हो जाए। केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए तैयारी की गई अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलाव करने की सोच रही है, विचार इस पर चल रहा है और इसकी तैयारी की तरफ सरकार बढ़ रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्र ये कहते हैं कि अब 4 साल के बाद सेना में 50% अग्निवीरों को अस्थायी रूप से शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। ये कहा भी जा रहा है कि केंद्र सरकार बहुचर्चित अग्निपथ योजना में एक बड़ा बदलाव करने पर तैयारी कर रही है। इनमें लंबे समय से सेना में अग्निवीर की अस्थायी भर्ती को बढ़ाने की मांग शामिल बताई जा रही है और ये हो सकता है कि बहुत जल्द आपको इससे जुड़ी खबर भी मिल जाए। रक्षा मंत्रालय के सूत्र ये कह रहे हैं कि केंद्र ने अग्निपथ भर्ती योजना में बदलाव करने की योजना बना ली है। इस बदलाव में सेना में अग्निवीरों को स्थायी तौर से रखने का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही वेतन और योग्यता के शर्तों में भी बदलाव संभव है। इन बदलावों का मकसद अग्निपथ योजना के पूरे ढांचे और लाभ में सुधार करना माना जा रहा है, जिसकी विपक्ष आलोचना बार बार कर रहा था। उसकी तरफ से मांग की जा रही थी कि इनको बदला जाना चाहिए, तो एक तरीके से इसे सुधार के साथ आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है। सेना में भर्ती होने के इच्छुक लोगों का एक बड़ा तबका अब इस योजना को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठा रहा था, ये कह रहा था कि इन शर्तों को बदला जाना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट्स जरूरी हैं, तो वो संभवतः बदलाव के साथ आपके सामने होंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि अग्निवीरों के सेना में स्थायी रूप से शामिल करने के प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार विमर्श इस वक्त चल रहा है और उनमें से अधिक संख्या में लोग जो हैं अपने शुरुआती 4 साल के कार्यकाल से आगे सेना की पूर्णकालिक सेवा में बने रह सकें, इस पर विचार किया जा रहा है। और आपको पता ही है कि रक्षा सूत्रों ने कहा भी है कि इस जो पूरी प्रक्रिया है अग्निपथ योजना, जिसमें जाके कि बंदा अग्निवीर बनता है, कहीं ना कहीं इस स्कीम में सुधार की जरूरत है। ये सुधार की जरूरत है ट्रेनिंग को लेके, क्योंकि आपको पता ही है कि एक सैनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जहाँ पहले 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती थी, 3 महीने की एडवांस एक इन्फेंट्री सोल्जर की, उसी प्रकार ट्रेड वालों की पहले 6 महीने की बेसिक और उसके बाद उनकी एडवांस उनकी ट्रेड ट्रेनिंग होती थी। लेकिन आजकल 6 महीने के अंदर में आपको सारा कुछ करके यूनिट भेज दिया जाता है और उसके परिणाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं कि एक्सीडेंटल जो फायर हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें ट्रेनिंग का अभाव भी माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके कि अभी बदलाव होने जरूरी हैं और सरकार ये जरूर चाहेगी
कि राज्य लोकसभा का जैसा मैंडेट मिला है, कहीं राज्यों से भी हमें हाथ न धोना पड़े। इस योजना को लेकर सरकार इस पर जरूर विचार कर सकती है और जो भी अपडेट आएगी आप लोगों तक मैं जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मौजूदा वक्त में केवल 25% ऐसे अग्निवीर हैं जिन्हें स्थायी तौर पर रखा जाता है, लेकिन अब इसकी संख्या तकरीबन 50% तक करने पर विचार किया जा रहा है। इस संख्या को मिलिट्री एक्सपर्ट्स नाकाफी मानते भी हैं और इसीलिए संभवतः सरकार इस दिशा में सोच भी रही है और तैयारी भी कर रही है। रक्षा विभाग के टॉप सूत्र के अनुसार अगर माना जाए तो जमीन पर जरूरी लड़ाकू जो ताकत होती है उसे बनाए रखने के लिए अग्निवीरों की 1/4 संख्या को स्थायी तौर पर नियुक्त करना बहुत कम है। सूत्र ये भी कहते हैं कि सेना ने यह भी सिफारिश की है कि 4 साल के अंत में अग्निवीरों को तैनात करने की संख्या में लगभग 50% इसे बढ़ाकर किया जाना चाहिए, जो अभी तक 25% तय है। एक बात बार बार ये बताना चाहूंगी कि फिलहाल ये संख्या 25% ही है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट के साथ इसे लाने की तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से जरूर की जा रही है। सेना ने अंदरूनी फीडबैक और विभिन्न यूनिटों के भीतर किए सर्वे के बाद सरकार को ये इनपुट्स दिए हैं और संभावित बदलाव के बारे में सिफारिश भी की है। रक्षा विभाग के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों ने भी कहा कि इस बदलाव में हालांकि थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अग्निपथ योजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संशोधन किए जाएंगे और इसे लेकर सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। इस योजना को केंद्र सरकार ने 2022 में सेना की संख्या में कम करने और रक्षा विभाग के पेंशन बिल को कम करने की कोशिश में लागू किया गया था और इस योजना के मुताबिक अग्निवीरों को 4 साल के अनुबंध पर सेना, नौसेना, वायुसेना में भर्ती किया जाता है। कुल सालाना भर्तियों में से केवल 25% को स्थायी कमीशन के तहत आगे सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाती है। हालांकि अग्निपथ योजना को देश भर में विरोध का सामना भी करना पड़ा था, वो तस्वीर भी आपके सामने आई होगी, जिनमें सेना के उम्मीदवारों ने ये कहा कि 4 साल तक अपनी सेवा देने के बाद सेना को छोड़ना, फिर उसके बाद उनका भविष्य जो है वो अनिश्चितता की तरफ चला जाता है। कांग्रेस भी इसे लेकर काफी मुखर रही थी और इस योजना को वापस लेने की मांग की गई, जबकि एनडीए के जितने भी तमाम सहयोगी दल हैं उन्होंने इसकी समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पर समीक्षा की जरूरत जरूर है। इसके अलावा बीजेपी के आंतरिक रिपोर्ट का अगर हवाला दिया जाए तो पार्टी को हाल के लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर भी झटका लगा जहां रक्षा कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ऐसे में सरकार इस पर एक बार फिर से विचार कर रही है और विचार के साथ तैयारी में भी जुटी हुई है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।